रिमोट ये भी क्या है नाउन है बुक नाउन है ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स आर यानी कि नाउन्स आर नेम इन गर्ड्स नेम ऑफ पीपल प्लेस एनिमल्स थिंग्स आई डा इमोशन जैसे बॉय बॉय को बॉय क्या आ जाता है गर्ल ठीक है अब अपने रूम में देखिए जहां बैठे हैं किस पे बैठे हैं आप चेयर पे बैठे हैं दैट इज नाउन ठीक है हाथ में क्या आपके पेन है अगर तो दैट इज नाउन नोटबुक है दैट इज नाउन मोबाइल है दैट इज नाउन ठीक है बेड है दैट इज नाउन टीवी है दैट इज नाउन फैन है दैट इज नाउन तो ऑल दीज आर नाउन ठीक है नाउ लेट्स डू द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन सॉरी प्रॉपर नाउन ठीक है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं स्पेशल नेम जैसे कि आप अब आप वैसे तो बॉय हो बॉय क्या हुआ कॉमन नाउन गर्ल क्या हुआ कॉमन नाउन लेकिन आपके नाम है नाम है ना राहुल मीना रितु माला ठीक है तो ये सब क्या है नेम है तो डैट इज प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेशल नेम लाइक रमेश इज अ वंडरफुल प्लेयर रमेश नेम है स्पेशल नेम है तो डेट इज प्रॉपर नाउन प्लेयर क्या है कॉमन नाउन की प्लेयर है जी उस प्लेयर का नाम क्या है रमेश तो रमेश हो गया प्रॉपर नाउन ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इंग्लैंड क्या है प्रॉपर नाउन

प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है स्पेशल नेम चाहे वो सिटी का हो चाहे वो पार्क का हो चाहे वो आपके अंकल का आंट का ब्रदर का सिस्टर का जिसका भी नेम हो स्पेशल डेट इज प्रॉपर नाउन ठीक है चाहे आपके मोबाइल फोन वैसे तो मोबाइल फोन क्या है कॉमन नाउन लेकिन स्पेशल नेम हो चाहे वो सैमसंग का है चाहे वो विवो का है ठीक है चाहे वो एप्पल का है तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन लेट्स सी मोर एग्जाम्पल गंगा हरी ताजमहल चंडीगढ़ मोहन कुतुबिनार दिसंबर मंडे इंग्लिश जपैन दिवाली ये सब क्या है प्रॉपर नाउन तो कॉमन नाउन क्या है कॉमन चीजें लाइक फ्रेंड हाउस कार कंट्री बाइसिकल सिटी टीचर बॉय ट्री बुक ऑनर सर्वेंट हस्बैंड, गर्ल बस बिल्डिंग मैन बैगर चाइल्ड टेम्पल फूड कैट डॉग स्कूल मदर मतलब एवरी थिंग जो कॉमन चीज है दैट इज कॉमन नाउन लाइक चेयर वे आर यू आर सिटिंग लाइक टेबल जिसपे आप काम करते हो बेंच क्लास कर्टन ये सब क्या है डोर विंडो ये सब क्या है की स्पून प्लेट ये सब क्या है कॉमन नाउन और जब उन्हीं कॉमन नाउन को स्पेशल नेम दे दिया जाता है वो बन जाता है प्रॉपर नाउन राइट नाउ कम ऑन द नेक्स्ट काइंड दैट इज कलेक्टिव नाउन ठीक है अब कलेक्टिव नाउन क्या है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन एनिमल्स प्लेसेस और थिंग्स एज वन यानी कि जो पर्सन एनिमल्स प्लेसेस के ग्रुप हैं जो कि सेम काइंड के हैं उनको एक नेम दे दिया जाता है दैट इज कलेक्टिव नाउन लाइक वर्ड्स लाइक आर्मी क्राउड बंच क्लास फ्लॉक ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन जैसे कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर सोल्जर के ग्रुप को क्या नाम दिया गया जाता है आर्मी इसी तरह पीपल के ग्रुप को क्राउड कीज के ग्रुप को बंच ठीक है लेट्स सी मोर एग्जांपल अब शी कैप्ट बुके ऑफ फ्लावर्स तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल तो बुके वर्ड क्या है कलेक्टिव नाउन अ बुके ऑफ फ्लावर्स बंच ऑफ ग्रेव्स बंच क्या है दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन बंच ऑफ ग्रेव्स क्लास क्लास इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन ही कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली फैमिली इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन क्योंकि फैमिली में ब्रदर सिस्टर अंकल आंट सब आ जाते हैं तो डेट इज कलेक्टिव नाउन हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉस द रोड हर्ड दैट इज कलेक्टिव नाउन आई कान फाइंड अ मैचिंग पेयर ऑफ सॉक्स तो पेयर क्या हो गया दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन ही एज अ पाइल ऑफ दर्टी क्लोथ्स पाइल ऑफ दर्टी क्लोथ इन इज रूम ही ज्वाइन अ डांस ट्रुप डांस ये ट्रुप दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर दर्ल्ड सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जब हम कोई नेम ठीक है दे दिया जाता है कलेक्शन ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड सेम काइंड के पीपल पर्सन एनिमल्स के ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है दैट इज कलेक्टिव नाउन नाउ वी विल डू एबस्ट्रेक्ट नाउ ठीक है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट एक्शन आइडिया फीलिंग मतलब कोई भी आइडिया फीलिंग जिन्हें ना तो आप क्या कर सकते हो यू कांट टच आप टच नहीं कर सकते सिर्फ फील कर सकते जैसे गुस्सा गुस्से को फील किया जाता है टच तो नहीं कर सकते डर लगना फियर आप उसे क्या कर सकते हो टच कर सकते हो फियर को नहीं महसूस कर सकते हो तो डैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है जैसे काइंडनेस

टच नहीं कर सकते लेट्स ई एग्जाम्पल लाइक फ्रीडम ब्रेवरी ठीक है एनर्जी फेथ हेट होप आइडिया ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते जिन्हें आप फील कर सकते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है अब नाउ वी विल डू मटीरियल नाउन अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच आर थिंग्स आर मेड मटीरियल नाम से ही पता लग रहा है मटीरियल यानी जिनसे चीजें बनी हो जैसे कि वुड आयरन ग्लास कॉटन स्टील जैसे कि अभी आपने जो कपड़े पहने हैं वो किससे बने हैं कॉटन से बने हैं है, तो कॉटन मटीरियल है मटीरियल नाउन है अगर सिल्क के बने कपड़े पहने तो सिल्क मटीरियल नाउन है ठीक है अब जैसे कि मैंने ये हाथ में कड़ा पहना हुआ ये है ये किसका है मेटल का तो मेटल क्या है मटीरियल नाउन अगर ये सिल्वर है तो ये सिल्वर क्या हुआ मटीरियल नाउन ठीक है अब मटीरियल नाउन क्या है हमारे यस yes. जिनसे की चीजें बनी हो अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ओके